एनसीपी अजीत गुट के प्रत्याशी सराफ मलिक का हुआ नामांकन। कार्यक्रम किया जा रहा है, इस संदर्भ में क्या रहा है? देखिए, मेरे लिए एक खुशी का माहौल है कि आज मेरी बेटी विधानसभा का नामांकन भर रही है और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता समर्थक जुटे हुए हैं। हमें लगता है कि जो हमने काम किया है उस काम की ताकत पर ये चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं और निश्चित रूप से नामांकन भरने के बाद प्रचार की शुरुआत होगी और सना जीतेगी, हमें पूरा विश्वास है। चलिए, चलो। मलिक साहब नमस्ते। नमस्ते। कितना स्पेशल मोमेंट है आपके लिए? बहुत स्पेशल है, बहुत भावनिक मोमेंट है। आज का एक नई शुरुआत है। आप कंटिन्यू करो। हाँ, आप कंटिन्यू करो, आते रहिए। एक नई शुरुआत है, एक नई चुनौती है और एक भावनिक मोमेंट है, स्पेशल मोमेंट है मेरे लिए और मेरे पूरे फैमिली के लिए और हमारे पूरे अनुशक्ति नगर की जनता के लिए। और सभी का प्यार और भरोसा हमारे साथ है, वो दिख रहा है और उसको देख के और भी इमोशनल जैसा। आप विधानसभा के अनुशक्ति नगर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत गुट के प्रत्याशी सना मलिक शेख ने पर्चा दाखिल किया। घड़ी चुनाव चिन्ह लेकर सनाताई चुनावी मैदान में उतरी हैं। नामांकन के दौरान हजारों की संख्या में महिला व पुरुष मौजूद रहे। इस अवसर पर मौजूद लोगों का पूर्व मंत्री व अनुशक्ति नगर विधायक नवाब मलिक तथा सना मलिक ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इस अवसर पर पूर्व नगर सेवक कप्तान मलिक भी लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आए। देखिए ये रिपोर्ट। स्पेशल है, बहुत भावनिक मोमेंट है। आज का एक नई शुरुआत है। आप कंटिन्यू करो। हाँ, आप कंटिन्यू करो, आते रहिए। एक नई शुरुआत है, एक नई चुनौती है और एक भावनिक मोमेंट है, स्पेशल मोमेंट है मेरे लिए और मेरे पूरे फैमिली के लिए और हमारे पूरे अनुशक्ति नगर की जनता के लिए। और सभी का प्यार और भरोसा हमारे साथ है, वो दिख रहा है और उसको देख के और भी इमोशनल जैसा। आप चुनाव लड़ रही है, ऐसी उन्हें कल प्रतिक्रिया दी, किस तरह से देखती है? बिहार के हैं वो और आपके ऊपर ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए, शत्रु तो नहीं होते राजनीति में, एक विरोधक होता है। विरोधक का काम ही होता है कि वो टिप्पणियां करते रहते हैं। लेकिन जहां तक नवाब मलिक की बेटी का है, मुझे बहुत गर्व है कि मैं नवाब मलिक साहब की बेटी, हर बेटी को उनके बाप की बेटी होने का डर है, गर्व होता है। और मैं सिर्फ और सिर्फ नवाब मलिक की बेटी नहीं हूँ, अनुशक्ति नगर की, पूरे अनुशक्ति नगर की बेटी हूँ। पिछले 7 सालों से अनुशक्ति नगर में गली कूचे में जाके लोगों के साथ काम कर रही हूँ। लोगों को मेरे ऊपर एक भरोसा है। आपको आज आप अनुशक्ति नगर की जनता को पूछोगे तो सना मलिक कौन है वो बताने की या पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको पता है सना मलिक कौन है। ये आए हैं कुछ कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ अनुशक्ति नगर में पैराशूट लैंडिंग नहीं लिए उन्होंने, उन्होंने तो कल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के पक्ष में भी पैराशूट लैंडिंग लिए। तो ऐसे विरोधक आते रहेंगे, चुनाव का टाइम है, पैराशूट लैंडिंग होगी, आएंगे और जाएंगे, ज़्यादा कुछ हमें उसके ऊपर बात नहीं करनी। चलिए, थैंक यू। कार्यक्रम किया जा रहा है, इस संदर्भ में क्या रहा है? देखिए, मेरे लिए एक खुशी का माहौल है कि आज मेरी बेटी विधानसभा का नामांकन भर रही है
और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता समर्थक जुटे हुए हैं। हमें लगता है कि जो हमने काम किया है उस काम की ताकत पर ये चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं और निश्चित रूप से नामांकन भरने के बाद प्रचार की शुरुआत होगी और सना जीतेगी, हमें पूरा विश्वास है। चले चलो अनिल साहब, नमस्ते। नमस्ते। ये आज वो समय नहीं है उसके ऊपर बात करने का। नवाब मलिक साहब का नॉमिनेशन कल है 29 तारीख को, उसके बारे में बाकी की जानकारी आपको कल दी जाएगी। कप्तान जी, जिस तरीके से नशा मुक्त नशे को लेकर बच्चे पूरी तरह से अलग दिशा में हैं, तो सना मलिक जी को अगर लोग सुनकर लाते हैं तो कैसा चित्र होगा? ऐसा है कि जिस तरीके से नशे के कारोबार को लेके बड़े जोरों शोर से एक हंगामा मचा हुआ है मानकुर शिवाजी नगर में, और उन्हीं के लोग कोई दूसरा चोला बदल करके अनुशक्ति नगर में आने का काम कर रहे हैं, तो जो मानकुर शिवाजी नगर के अंदर जो हालात थे वही हालात अनुशक्ति नगर में भी पैदा करने के लिए कोशिश की जा रही है। लेकिन नवाब मलिक साहब ने जो 2 साल अपने जीवन के जेल में बिताए वो सबको पता है कि उसके पीछे क्या वजह थी, और हम लोग नशे का जो कारोबार है, जो भी गैंग चला रही है, मैं हूँ चाहे सना मलिक हो चाहे नवाब मलिक हो, हम लोग उनका पीछा छोड़ेंगे नहीं और उनको अंजाम तक पहुँचाने का काम करेंगे। साना आपा का काम है और हम लोग जीतेंगे इंशाल्लाह। जबरदस्त स्वागत किया जा रहा है नवाब मलिक और सना मलिक शेख का। कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि महिला होने के नाते एक जबरदस्त समर्थन अगर किसी को मिल रहा है तो वह सना मलिक शेख को मिल रहा है। ये तमाम अप्रत्याशित भीड़ वही जीप पे नजर आ रहे हैं। सना नवाब मलिक लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं, सना मलिक शेख उनके साथ विजय चिन्ह प्रदर्शित करते हुए नजर आ रही है। ये इस नजारा को देखते हुए कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि सना मलिक शेख एक जबरदस्त समर्थन प्राप्त आज उन्हें है। आज हजारों हजार की संख्या में लोग उनके साथ नजर आ रहे हैं और ये आज का ये जनशक्ति प्रदर्शन कहीं न कहीं यह दर्शा रहा है कि सना मलिक शेख एक मजबूत दावेदारी इनके द्वारा पेश किया जा रहा है अनुशक्ति नगर इलाके में।